आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पर आधारित एक और कहानी नाग मोहिनी। तंत्र बड़ी ऊंची साधना है, मगर दुख की बात यह है कि उसके वास्तविक स्वरूप से आज बहुत कम लोग परिचित हैं। तंत्र एक विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, जिसके सिद्धांतों में कभी किसी काल में परिवर्तन संभव नहीं। तंत्र विज्ञान 16 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग का अपना एक विज्ञान है और प्रत्येक विज्ञान के अंतर्गत 4-4 विद्याएं हैं। इस प्रकार तंत्र की कुल 64 विद्याओं को 64 योगिनी कहते हैं। प्रत्येक विद्या एक योगिनी है। उन 64 विद्याओं में एक विद्या है नाग मोहिनी विद्या। यह तंत्र की अत्यंत रहस्यमय विद्या समझी जाती है। तंत्र के काल विज्ञान के अंतर्गत है ये नाग मोहिनी विद्या। इस विद्या के जानकार बहुत ही कम लोग हैं और जो है भी तो शीघ्र बतलाते नहीं उसके रहस्य को। कुमार सिंह की कथा सुनकर अचानक मुझे अपने जीवन की एक ऐसी विचित्र घटना याद हो आई जिसका संबंध नाग मोहिनी विद्या से था। सांपों की कुल 300 जातियां हैं जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, मगर अफ्रीका का मंबा सांप अपनी सभी जातियों से अलग थलग और सबसे खतरनाक समझा जाता है। नाग मोहिनी विद्या से संबंधित सर्पतंत्र नामक पुस्तक में मंबा का नाम मंबाक्ष है। सर्पतंत्र में इस खतरनाक और भयानक मंबाक्ष तांत्रिक निर्देशन में अपने वश में कर उसके द्वारा शत्रुओं को मारने के लिए सविस्तार विधि बतलाई गई है। यदि किसी कारणवश शत्रु मंबाक से बच गया तो वो अपने साधक का ही प्राण हरण कर लेता है। मंबाक्ष में मंत्र के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो हजारों मील दूर पर भी स्थित शत्रु की जीवन लीला समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसका साधक शत्रु के स्वरूप से परिचित हो। नाग मोहिनी विद्या की एक और पुस्तक है कालाग्नि भैरव तंत्र। इस महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ में मंबाक्ष की ही तरह भारत में पाए जाने वाले एक अति भयंकर सर्प का उल्लेख है जिसे कालाक्ष कहते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है ये बतलाना कठिन है, मगर गेहुअन, करेत आदि इसी के वंशज माने जाते हैं। मेरी धारणा के अनुसार मंबाक्ष से कालाक्ष की कोई समानता नहीं। कालाक्ष की आयु 1000 वर्ष है और जब वो अपनी पूरी आयु भोग लेता है तो उसकी इच्छा और प्राण की शक्ति अति प्रबल हो जाती है, जिसकी सहायता से वो इच्छा अनुसार मानव योनि ग्रहण कर सकता है। कालाग्नि भैरव तंत्र में कालाक्ष सर्प को मंत्र बल से वश में करने, उसे सिद्ध करने तथा उसे सम्मोहित करके उसके द्वारा शत्रुओं का नाश करने की सारी विधि बतलाई गई है। पल पल पर और हर कदम पर प्राणों का खतरा बना रहता है। नाग मोहिनी विद्या की पूर्णत सिद्धि हो जाने पर कालाक्ष भले ही हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो, तत्काल साधक के सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। सर्प के रूप में नहीं बल्कि सुंदर आकर्षक मानव के रूप में। उसकी पत्नी और प्रेमिकाएं भी सुंदर कामनिया और आकर्षक युवतियों के रूप में उसके साथ ही प्रकट होती है, मगर फिर भी उन सबकी आंखें मणि की तरह चमकती है और स्थिर रहती है। सर्प के कान नहीं होते, उनकी पलकें नहीं झपकती, वे आंखों से ही भाव को व्यक्त करते हैं और आंखों से ही देखते हैं और सुनते हैं। कालाक्ष और उनकी प्रेमिकाओं में ये तमाम गुण मानव गुण में प्रकट होने पर भी विद्यमान रहती है। सर्पों की आंखों में प्राण शक्ति की अधिकता के कारण भयानक सम्मोहन होता है। यदि उनकी दृष्टि से आपकी दृष्टि मिल जाए तो आपका मन प्राण ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी सम्मोहित हो उठेगी। अब आइए
मैं आपको वो अविश्वसनीय और रोमांचकारी घटना सुनाऊं, जिसकी चर्चा ऊपर की है मैंने अभी। सन 1986 से सन 1994 तक का लंबा समय तंत्र के विविध रहस्यमय अंगों पर खोज एवं शोध में ही बीता है। खोज एवं शोध के इसी सिलसिले में मेरी भेंट तंत्र के अनेक मूर्धन्य विद्वानों, मनीषियों, प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न रूप से निवास एवं विचरण करने वाले अनेक उच्च कोटि के साधकों और तंत्र योगियों से हुई। उनका सानिध्य, संपर्क और उनका व्यक्त ज्ञान सचमुच मेरे आध्यात्मिक जीवन की अमूल्य संपत्ति है। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे जीवन का वो समय स्वयं काल था, तो अतिशयोक्ति ना होगी। शायद 1946 का वर्ष था। सर्पतंत्र की नाग मोहिनी विद्या पर ही मैं शोध व खोज कार्य कर रहा था उन दिनों। उस महान और रहस्यमय विद्या से संबंधित कई मूल्यवान और प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें मुझे योगायोग से मिल गई थी। उन दुर्लभ पुस्तकों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहा था मैं। उन्हीं पुस्तकों में एक ऐसी भी पुस्तक थी जो सबसे प्राचीन थी और जिसमें नाग मोहिनी विद्या जानने वाले कई गुप्त मिरासियों के परिचय और साथ ही उनके चित्र भी दिए गए थे। वो चित्र रत्नों की स्याहियों से बने थे। उनमें अभी भी चमक थी। ऐसा लगता था मानो उन्हें चित्रकार ने अभी अभी बनाया हो। सभी चित्र वास्तव में सजीव प्रतीत हो रहे थे। पुस्तक के पन्नों को उलटते पलटते समय बीच बीच में उन चित्र को भी ध्यान से देखता जा रहा था। अचानक मेरी नजर एक चित्र पर रुक गई। वो चित्र एक युवती का था। बड़ा ही सजीव चित्र था वो। चित्रकार ने नारी के सारे सौंदर्य, सारे लावण्य और सारे आकर्षण को इकट्ठा कर भर दिया था उस रूपसी के चित्र में। न जाने कब तक निहारता रहा मैं उस चित्र को। 20 से 22 साल से अधिक आयु ना थी युवती की। उसके रूप, यौवन और सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास ना भाव है ना शब्द। सबसे विलक्षण थी उसकी आंखें। अजीब सा आकर्षण और अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। एक ऐसी ज्योति थी उसमें कि बतला नहीं सकता मैं। मानिक की तरह जैसे दब दब जल रही थी उसकी आंखें। चांद जैसे मुख पर एक साथ कई भाव थे। उसके गुलाबी होंठ धीरे धीरे मुस्करा रहे थे। चंपई रंग की देह अनावृत थी। सिर्फ एक फिरोजी रंग की रेशमी चादर पतली कमर में बड़े ही सहज भाव से लिपटी हुई थी। खुले हुए पुष्ट स्तनों के बीच में एक दूसरे से लिपटे हुए नाग नागिन के चित्र अंकित थे, जो अपने आप में काफी भयानक थे। उस पुस्तक में युवती का जो विवरण दिया गया था वो संक्षिप्त होते हुए भी भयानक, रहस्यमय और अविश्वसनीय था। युवती के चित्र के नजदीक ही एक मिरासी का भी चित्र था। चित्र के नीचे उसका नाम लिखा था, अब्दुल सकीर। सकीर नाग मोहिनी विद्या में माहिर था। उसने उस विद्या के जरिए कालाक्ष जाति के एक दीर्घजीवी और भयानक सर्प को वश में कर रखा था। वो युवती और कोई नहीं, उसी सर्प की प्रेमिका थी जिसका नाम था मोहिनी। 1000 वर्ष तक अपने प्रेमी के साथ नागिन की योनि में रहने के बाद उसने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से युवती का रूप धारण कर लिया था और उस रूप में वो शकीर के साथ कुछ समय तक रही थी। शकीर ने ही उसका नाम मोहिनी रखा था। एक अति अविश्वसनीय आश्चर्य, 1000 साल तक सर्पिनी की काया में रहने के बाद एक नागिन का कायाकल्प, और वो भी एक सुंदरी युवती के रूप में। सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था मुझको। वो युवती जिसकी आंखें बार बार मुझे और मेरी आत्मा को बरबस सम्मोहित कर रही थी, अत्यंत रहस्यमय लगी मुझे। घंटों उसके अपरूप रूप को अपलक निहारता ही रह गया मैं। सकीर के चित्र के नीचे जो सन और तारीख लिखी थी
वो करीब 200 साल पहले की थी। मतलब ये कि सकीर 200 साल पहले जिंदा था और उस नागिन ने भी एक युवती के रूप में इतने ही साल पहले अपना कायाकल्प किया। क्या वो नागिन मोहिनी के रूप में अभी भी कहीं होगी? सहसा मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न कौन सा गया और उसी के साथ मेरा मन उसकी कल्पनाओं में एक बार की डूब गया। अब यहाँ जन्म लेती है एक अंतरकथा, संयोग ही समझना होगा इसे। एक अति आवश्यक कार्य से मुझे देहरादून जाना पड़ा था उन दिनों। लौटते समय ट्रेन में मेरी भेंट एक महाशय से हो गई। वो महाशय मुसलमान थे और उनका नाम था हमीद मियाँ। हमीद मियाँ एक अव्वल दर्जे के मिरासी थे, सर्प विद्या के इल्म में माहिर थे। जब मैंने बातचीत के सिलसिले में सकीर की चर्चा की तो हमीद मियाँ एक बार की खामोश से हो गए। ऐसा लगा मानो वे सकीर के नाम से पूर्व परिचित हैं। थोड़ी देर बाद अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से सहलाते हुए गंभीर स्वर में बोले, सकीर को मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। आप जानते हैं? आश्चर्य से पूछा मैंने। तब तो आप मोहिनी को भी जानते होंगे। हमीद मियाँ ने दाढ़ी सहलाते हुए तीखी नजरों से एक बार मेरी ओर देखा और फिर हौले से बोले, हाँ, उस बेपनाह रूप और हुस्न के मालिक नागिन को भी जानता हूँ मैं। आप उसे भी जानते हैं? हाँ मियाँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या वो अभी मोहिनी के रूप में जिंदा है? हाँ, जिंदा है वो। अगर चाहो तो उससे मिल भी सकते हो तुम। हमीद मियाँ ने कुछ ऐसे ढंग से जवाब दिया कि विश्वास करना ही पड़ा मुझे उनकी बातों पर। आप मुलाकात करा सकते हैं? मैंने प्रश्न किया। हाँ हाँ भाई, मुलाकात ही नहीं बल्कि बातें भी करवा सकता हूँ। हमीद मियाँ ने खराखर खिड़की के बाहर थूकते हुए कहा। मगर कब और कैसे? उतावला हो मैंने पूछा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। लखनऊ आ रहा था। हमीद मियाँ ने अपना सामान समेटा और फिर चांदी के पान दान से गिलोरी निकालकर मुंह में दबाई और मेरी ओर देखते हुए बोले, मेरे खत का इंतजार करना। खत में मैं आपको जब व जहां बुलाऊं फौरन हाजिर हो जाना। ठीक है, मैंने कहा, मैं आपके खत का बेसब्री से इंतजार करूंगा। लगभग 8 महीने बाद हमीद मियाँ का खत मिला मुझे। उन्होंने मुझे पटियाला बुलाया था। पत्र पढ़ते ही झूम उठा मैं खुशी से। जिस बात की मैं अभी भी कल्पना मात्र ही समझता था, अब उसे अपनी आंखों से देख सकूंगा। आप ही सोचिए कितनी आश्चर्यजनक बात थी वो। निश्चित तारीख को मैं पटियाला पहुंच गया। हमीद मियाँ मुझे लेने स्टेशन आए थे। शहर के बाहर उनका आलीशान मकान था। अकेले रहते थे वो अपने हवेली नुमा मकान में। हमीद मियाँ ने मुझे बतलाया कि साल में एक बार उन्हें सांपों की सहनशाह के सामने पेश होना पड़ता है। उनकी महफिल कभी घने जंगल में तो कभी किसी वीरान घाटी में जमती है। उस वक्त उनको खुश करने के लिए वहाँ चौकी लगानी पड़ती है उन्हें। मियाँ, संगीत की बैठक, उसी की चौकी कहते हैं। उसी वक्त मोहिनी भी सहनशाह के सामने उनकी खिदमत में हाजिर होती है। हाँ, एक बात बतला दूँ, पूरे साल मोहिनी नागिन के रूप में रहती है, मगर साल में सिर्फ एक बार उस महफिल के दिन वो औरत की शक्ल अख्तियार करती है। हमीद मियाँ बोले, साल में वो तारीख और वक्त कब आता है? कार्तिक की पूर्णिमा को, और वो पूर्णमासी की रात आज से ठीक 10वें दिन है। पूर्णिमा के दिन हमीद मियाँ के साथ मैं जम्मू पहुंच गया। मैं नहीं जानता कि वे कौन कौन से रास्ते थे जिन पर मैं चलता रहा। वे कौन कौन सी पगडंडियां थी जो मेरे पांव के नीचे आती रही।
बस इतना याद है कि उस वक्त रात के 12 बजे थे। जहां मैं रुका वो एक सुनसान और वीरान घाटी थी, जिसके एक ओर काफी दूर तक फैली हुई रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियां थी और हरे भरे घास के मैदान थे। चारों ओर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने देखा मैदान में घास के ऊपर एक दुधिया सफेद चादर जो काफी लंबी चौड़ी थी बिछी हुई थी। चादर के एक और एक तबलची बैठा हुआ था और उसके आगे तबले की जड़ाव जोड़ी बड़ी थी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि ना अधिक चांदनी थी वहाँ और ना तो था रोशनी का कोई खास जरिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान में चकाचौंध हो रही थी। बाद में पता चला कि वो इस ज़मीन की खासियत थी। वो पथरीला इलाका था और उस पत्थर की ये खूबी थी कि वो जरा सी रोशनी पड़ते ही उससे कई गुना ज़्यादा चमकने लगता था। हमीद मियाँ ने बतलाया कि वही पत्थर कभी मुग़ल बादशाहों के ऐसे कमरों में भी लगे थे जिनमें रोशनी के दाखिल होने का कोई जरिया ना होता था, तो अनजान लोग उन कमरों में रोशनी को देखकर हैरान रह जाते थे। यही पत्थर आज भी अनेक मुगलिया इमारतों में लगे हुए हैं और लोग उससे फूटती रोशनी को देखकर हैरान होते हैं कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है। कुछ ही देर बाद मुझे उस रहस्यमय घाटी के उस रहस्यमय मैदान में कुछ परछाइयां सी सरकती नजर आई। मैंने गौर से देखा वो सभी सांप थे जो उस महफिल में शरीक होने के लिए आ रहे थे। उनके हाजिर होते ही तबलची ने अपना तबला संभाल लिया और हमीद मियाँ ने गला साफ कर सारंगी को अपने आगे सरका लिया और मुझे इशारा से एक और दम साध कर बैठने को कहा। जब सांपों की मंडलियां इकट्ठी हो गई तो हम तीनों ने झुककर उन्हें सलाम किया। उसी वक्त न जाने किधर से 4 से 5 आदमी हाथों में बीन सारंगी लिए हुए आ गए और हम लोगों के करीब इत्मीनान से बैठकर बीन और सारंगी बजाने लगे। हमारे सामने अंदाजन 300-400 सर्प कुंडली मार कर बैठे हुए थे। वे सभी विभिन्न प्रकार और विभिन्न रंगों के थे। जब हम लोगों ने सलाम किया तो वे सभी सर्प अपना सिर हिलाकर खास ढंग से झुकने लगे। उस समय जबकि गाने बजाने की महफिल जमी हुई थी, एक काफ़ी लंबा और मोटा काला अजगर जो अभी तक सबके बीच में बैठा था आगे आया। मैंने देखा उसके सिर पर खूनी रंग का एक छोटा सा सांप बैठा था। अंगूठे के बराबर उसके फन थे और लंबाई उसकी यही रही होगी करीबन 1 बालिशत। एक नन्हा सा सुनहरा ताज उसके सिर पर था जिसके किनारों पर छोटे छोटे जवाहरात लगे हुए थे। हम सब लोगों ने झुककर फिर सलाम किया। खूनी रंग का वो छोटा सा सांप और कोई नहीं, वो था सांपों का शहंशाह। सांपों का वही बादशाह था, सैकड़ों नागिनों का प्रेमी था जिसकी आयु कम से कम 1000 वर्ष थी। शहंशाह ने इशारे से हम लोगों का सलाम कबूल किया। उसके बाद हमीद मियाँ एक अजीबोगरीब आलाप अलपने लगे और उस आलाप के साथ सारंगी बीन वाले देने लगे। तबलची भी पीछे ना रहा साथ देने में। सभी सर्प बड़े अदब से अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। कोई कोई किसी खास तान पर झूम जाते और कभी कभी अपने नज़दीक वाले सांप से कुछ कहते। महफिल कई घंटे तक चलती रही। इसके बाद हमीद मियाँ ने राग खत्म किया और झुककर अदब से बैठ गए। उस नागिन को देखने के लिए मैं बेताब था जो इस महफिल में मोहिनी के रूप में हाजिर होने वाली थी। अचानक महफिल के वातावरण में अजीब सी सुगंध तैर गई। लगा मानो इत्रों की हजारों शीशियां वहां एक साथ खुल गई हो। दुनिया के तमाम फूल बिखर कर गए हो उस महफिल में और उस सुगंध के सैलाब के बीच मैंने देखा एक दूधिया रंग की नागिन ने न जाने किधर से बलखाते इटलाते वहां हाजिर हुई। वो अकेली नहीं थी,
उसके साथ लाल रंग की कई और नागिनी थी जो उसे चारों ओर से अदब के साथ घेरे हुए थी। उस नागिन का जिस्म जैतून की खाल की तरह पतला था और उस पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे बूटे पड़े थे। बड़ी ही सुंदर नागिन थी वो। उसने शहंशाह के सामने आकर सलाम किया और फिर अपने मुंह से निकालकर एक हीरे का कीमती टुकड़ा बतौर नजराना पेश किया। मैं नागिन की सारी रहस्यमय गतिविधि बड़े ही ध्यान से देख रहा था। सहसा रुपले रंग की एक रोशनी चमकी और फिर एक बारगी उसी के साथ वो नागिन एक युवती के शक्ल में बदल गई। वो युवती और कोई नहीं, मोहिनी थी, उस पुरानी हस्तलिखित किताब की मोहिनी। वही रूप, वही सौंदर्य, वही आकर्षण और वही यौवन, कहीं कोई वैषम्य नहीं था। एक आश्चर्यजनक और सर्वथा अविश्वसनीय सत्य मेरे सामने अब साकार था। कुछ क्षण पहले जिस रक्तांबरी नागिन को एक खूबसूरत युवती की शक्ल में तब्दील होते हुए मैंने देखा था, अब उसी को मोहिनी के रूप में शहंशाह के सामने बड़ी अदा से नृत्य करते हुए देख रहा था। सारंगी और बीनों की सम्मोहक और मादक स्वर लहराइयों पर मोहिनी के पैर बिजली की तरह थिरक रहे थे। मैं अपलक दम साधे हुए उस अदभ्य सुंदरी नाग कन्या को स्वर्गीय नृत्य करते देखता रहा। अजीब समा था, सर्वथा अलौकिक और चमत्कार पूर्ण। नाचते नाचते मोहिनी बलखाती हुई हमीद मियाँ के करीब आई और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। हमीद मियाँ निहाल हो गए। उन्होंने धीरे से मेरी ओर इशारा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सुंदरी मेरी ओर भी थिरकती हुई चली आई और अपनी जादू भरी और सम्मोहन के सैलाब में डूबी कचरारे आंखों से देखा। और साथ ही अपने गुलाबी होंठों से मुस्कुरा दी। बेहाल हो गया मैं और न जाने मुझे क्या सूझा कि लपक कर मोहिनी का हाथ थाम लिया। उफ, ऐसा लगा कि मैंने जलते हुए किसी लोहे के टुकड़े को छू लिया हो। सारा जिस्म सनसना उठा एक बार की। दूसरे पल मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। पहली बार किसी इंसान ने मेरे जिस्म को छुआ है, जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? मुझे मोहिनी की मोहक आवाज सुनाई दी। मेरी रूह कांप उठी। क्या क्या होगा इसका नतीजा? मैं कांपते हुए बोला, मगर मेरे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त खामोश नजरों से देखता रहा मैं उस नाग कन्या को जाते हुए अपने से दूर। अचानक बिजली की चमक जैसी रोशनी एक बार फिर चमकी और मोहिनी उसी के साथ फिर नागिन की शक्ल में बदल गई और देखते ही देखते वो गायब भी हो गई उस वीरान और सुनसान घाटी के आगोश में। मोहिनी के चले जाने के बाद वो बड़ा अजगर आगे बढ़ा। उसने सोने के कुछ टुकड़े हम लोगों के सामने फेंके। उसके फन पर बैठे शहंशाह ने भी हीरे का एक बेशकीमती टुकड़ा फेंका और फिर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। अब सांपों का लश्कर हम लोगों की तरफ बढ़ने लगा। सब अपने अपने मुंह से सोने के छोटे छोटे टुकड़े और मोती लिए हुए थे, हम लोगों के सामने फेंकने लगे। और जब आखिरी सांप भी सोने का टुकड़ा फेंक कर चला गया तो हमीद मियाँ सामने बिखरे हुए मोतियों और सोने के टुकड़ों को बटोरने लगे, अपना हिस्सा अलग कर बाकी बीन और सारंगी बजाने वालों को बांट दिया उन्होंने। अब मैं उनके हवेली नुमा आलीशान मकान और अमीरों जैसे जिंदगी का राज समझ गया था। उस रात उन्हें 20 से 22 हजार रुपये की दौलत हाथ लगी थी। जहाँ महफिल के साजिंदों और मिराशियों को दौलत पाने की खुशी थी, वहीं मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने एक अपूर्व अलौकिक दृश्य देखा था, एक अविश्वसनीय चमत्कार पूर्ण सत्य को देखा था। वापस लौटते समय मुझे मोहिनी का बात याद आ गई। जब मैंने हमीद मियाँ से उसके बारे में पूछा
तो वे हंसकर बोले, मियाँ लगता है वो हूर की परी तुम पर आशिक हो गई है। ऐ क्या कहते हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ बरखुदार, उस हसीना का हाथ थाम लेना कोई मामूली बात नहीं। अगर तुमने उसके प्यार का जवाब प्यार से दिया होता तो सचमुच तुम जैसा तकदीर वाला इंसान दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा, समझे? मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुंह बाए बेवकूफों की तरह हमीद मियाँ की ओर देखता रहा। इस अलौकिक घटना के ठीक एक साल बाद कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी वो। गहरी नींद में मैं सोया था। उसी हालत में सपने में मुझे मोहिनी दिखलाई दी। वही रूप, वही सौंदर्य और वही मादक यौवन। मेरा सिर उसकी गोद में था और उसकी कोमल उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थी। बीच बीच में वो झुककर मेरे बालों से खेल रही थी और मेरा चुंबन भी ले लेती थी। सचमुच तुम मुझसे प्यार करती हो मोहिनी? मैंने आहिस्ते से पूछा। मोहिनी एक बार की हंस पड़ी, बोली, प्यार न करती तो तुम्हारे पास भला आने की क्या जरूरत थी मुझे। ये कहकर मोहिनी एक बार की लिपट गई मुझसे। उसके आलिंगन से मेरा सारा शरीर सिहर उठा एक बार की और उत्ताप से डर गया मेरा मन प्राण। उसी स्थिति में मोहिनी के सीने पर अपना सिर रखते हुए बोला, मैं इंसान हूँ, मेरी रूह इंसानी सीमा में बंधी हुई है, जबकि तुम इंसान की सीमा से बाहर एक ऐसी हस्ती हो जो सिर्फ कहानी की दुनिया से ताल्लुक रखती हो। सोचो, अगर कभी मैं तुमको याद करूं तो तुम मेरे पास कैसे आ सकती हो? मेरी बात सुनकर मोहिनी काफी देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ते से बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं एक नागिन हूँ। सिर्फ साल में एक बार ही अपने प्रेमी शहंशाह के सामने इंसानों के शक्ल में पेश होती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि तुम्हारे सामने भी इंसानी शक्ल में आऊँ तो ये मेरे लिए नामुमकिन है। वैसे मैं तुमसे साल में एक बार ज़रूर मिलूँगी, पर उसी तरह जैसे आज मिली हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि जब याद करो तुम तब आओ, तो इसके लिए केवल एक ही रास्ता है। वो ये है कि तुमने जिस हाथ से मुझे पकड़ा था उसी हाथ का चुंबन मुझको याद करके लोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। पर याद रखो, इंसानी शक्ल में नहीं, रूहानी शक्ल में। मुझे विश्वास है कि तुमको मेरी उपस्थिति का एहसास हो जाएगा। इतना कहकर मोहिनी गायब हो गई और उसी के साथ मेरी नींद भी खुल गई। उस समय मेरा कमरा वैसे ही सुगंधों से भरा था जैसे सुगंधों का अनुभव मैंने सांपों की महफिल में किया था। अब हमीद मियाँ की बातों पर यकीन करना पड़ा मुझे। सचमुच वो नाग कन्या मुझ पर आशिक हो गई थी। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को वो सपने में आती, मुझे प्यार करती और चली जाती, और उसके जाने के बाद जब मेरी आंखें खुलती तो अपने कमरे में महफिल जैसा ही सुगंध बिखरा हुआ पाता। उसे याद कर कभी भी मैंने अपना हाथ चूमने का साहस नहीं किया। मैं जानता था कि ऐसा करने पर निश्चय ही वो बेपनाह रूह में हाजिर हो जाएगी मेरे सामने, मगर उस सांझ को मैं अपने आप को रोक ना सका। मोहिनी के शक्ल को याद किया और अपने हाथ को एक बार की मैंने चूम लिया। उस समय मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि मोहिनी की रूह ज़रूर मेरे मदद करेगी और उसकी सहायता से मैं टोंगा के जादू को ख़त्म कर दूंगा। उसके चुंगल से कुमार सिंह को ही नहीं बल्कि सुरजीत को, तड़पती आत्मा को भी मुक्त कर लूंगा। मेरा अनुमान सच निकला। हाथ चुमते ही कमरे के वातावरण में चीर परिचित सुगंधों का सैलाब एक बारगी उमड़ पड़ा और उसी के साथ एक साया प्रकट हो गया वहाँ। वो साया बिल्कुल कोहरे के पर्त जैसा था। उस साया को सिर्फ मैं देख सकता था और उसकी गतिविधि को महसूस कर सकता था। टोंगा ने मंबा जाति के एक भयानक सर्प को मंत्र बल से सिद्ध किया था, मगर उसकी ये सिद्धि उसी के लिए मौत का कारण बन गई। सुरजीत को मारकर उसने अपने साथ उसकी आत्मा को रख लिया था।
यही उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। कुमार सिंह के बच जाने पर वो भयंकर काला नाग अपने साधक पर ही आक्रमण कर बैठा और जान ले ली उसने। अपनी ही विद्या से मरने वाले टोंगा की आत्मा अब कुमार सिंह को मारने के लिए अवसर खोजने लगी, इसलिए कि उसके मारने पर ही उसकी आत्मा उस विस्तर के चुंगल से मुक्त हो सकती थी। और इसके लिए टोंगा की आत्मा बराबर चमगादड़ की शक्ल में कुमार सिंह का पीछा करने लगी। जब मेरे सामने ये तमाम रहस्य अनावृत हुआ तो एक बार की स्तब्ध रह गया मैं। कुमार सिंह को तो अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया था, मगर मेरी मानसिक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। उस समय एक भयानक सर्प के चुंगल में एक भयानक जादूगर की आत्मा थी और उस आत्मा के चंगुल में थी सुरजीत की आत्मा और कुमार सिंह की जिंदगी, जो किसी भी क्षण मौत में बदल सकती थी। बड़ी ही विषम स्थिति थी उस समय। कुमार सिंह के सिर के ऊपर बराबर चक्कर लगाने लगा था फिर वो रहस्यमय चमगादड़। वातावरण फिर बोझिल हो उठा। कुमार सिंह की हालत बराबर गंभीर होती जा रही थी। उसकी आंखें उलट गई थी और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मुंह से भी झाग निकलने लगा था। अब मैं परेशान था। अचानक एक चमत्कार घटित हो गया। ची 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 करता हुआ चमगादड़ एक ओर गिर पड़ा और कांपने लगा और कुछ ही क्षणों के बाद उसने दम तोड़ दिया। शायद टोंगा की आत्मा सांप के चंगुल से निकल गई थी, मगर उसी के साथ मैंने देखा कि सुरजीत और टोंगा की रूह की छायाएं अब एक साथ कुमार सिंह को परेशान करने लगी। उसी समय न जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मैंने मोहिनी को प्यार से फिर याद किया और अपने हाथ को चूम लिया। नतीजा काफी भयंकर हुआ। करुण क्रंदन और चीखों से मेरा कमरा गूंज उठा। मोहिनी ने दोनों की रूहों को अपने कब्जे में कर लिया था और बुरी तरह उनकी पिटाई कर रही थी। अंत में टोंगा की गिरफ्त से सुरजीत की रूह निकल गई और निकलने के बाद शराब शराब चिल्लाने लगी। मैं समझ गया उसकी आत्मा शराब की प्यासी थी। जब बाजार से मंगाकर शराब दी गई तो पीने के बाद सिसकती हुई बोली, कुमार सिंह को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। उससे मैं प्यार करती हूँ, एक पल भी उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मोहिनी के संकेत पर मैंने मरे हुए चमगादड़ को उठाकर जलती हुई आग में डाल दिया। उसी के साथ वातावरण में एक चीख गूंज और बिखर गई। टोंगा की रूह जल चुकी थी। अब थी सुरजीत की समस्या। उसकी रूह को कुमार सिंह से अलग करना जरूरी था, मगर इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। जाते समय मोहिनी उसे अपने साथ ले गई। क्यों ले गई इसे मैं समझ ना सका। धीरे धीरे वातावरण पहले जैसा शांत हो गया और उसी के साथ कुमार सिंह की चैतन्य हो उठा। ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद से जगा हो। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा तमतमाया हुआ था। एक प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। जाते समय कुमार सिंह ने यह जानना चाहा कि वो खूबसूरत युवती कौन थी जिसकी सहायता से उसे पनाह मिली थी, राहत मिली और मिला छुटकारा टोंगा की रूह से। मैंने हंसकर टाल दिया। मोहिनी का परिचय देना आवश्यक नहीं समझा, कहने की जरूरत नहीं। वो नाग कन्या लगातार कई वर्षों तक हर पूर्णिमा की रात को सपने में मुझसे मिलती रही। उसने मुझे बहुत सी ऐसी रहस्यमय बातें बतलाई जो भौतिक स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हीं रहस्यमय बातों के सिलसिले में उसने मुझे ये बतलाया कि नाग लोक का धरती से घनिष्ठ संबंध है। एकमात्र सर्प ही ऐसी प्राणी है जो मनुष्य के बिल्कुल निकट है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सर्प। प्रकृति के नियम के अनुसार 64 लाख योनियों को भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है। सर्प योनि एक अतिरिक्त योनि है। ये 64 लाख योनि में नहीं है। अतिरिक्त योनि इसीलिए है कि सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, उच्च कोटि के आत्माएं अथवा योगात्माएं जो संसार और शरीर से मुक्त हो चुकी है,
जिन्हें अब संसार में लौटकर शरीर धारण करना नहीं है, मगर किसी कारणवश उन्हें आगे के लोक लोकांतरों में जाने की लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ऐसी आत्माएं प्राय अपनी प्रतीक्षा का समय सर्प योनि में ही व्यतीत करती है। इस प्रकार सर्प योनि में पड़े हुए अनेक योगियों और उच्च कोटि के आत्माओं का परिचय मुझे मोहिनी से प्राप्त हुआ। कहने की जरूरत नहीं, मैं अब तक कई ऐसे आत्माओं और योगियों से मिल चुका हूँ जो सर्प योनि को प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए सैकड़ों वर्ष से इस धरती पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आज पलीबी पॉडकास्ट में पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पर आधारित एक और कहानी, नाग मोहिनी विद्या। कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। सॉरी, मैं आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है सो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी के साथ, और वो भी पंडित अरुण कुमार शर्मा जी, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि अब मैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की पूरी फुल ऑडियो बुक लाने वाली हूँ। सो तैयार रहिए, इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की कहानी ही चलेगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।